दिल दी गल है सजना वे, किसे दिल बड़े नूं दसांगे। हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आपका बहुत प्यार मिला, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं। बच्चों, आपके लिए लाइव क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों, उसके लिए सब्सक्राइबर बढ़ाने बहुत ही जरूरी होते हैं और आपके लिए बच्चों दिन रात मेहनत करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन आपका 1 मिनट का समय मुझे चाहिए। किस लिए चाहिए? वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आपका काम रहेगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो बच्चों आपका सपोर्ट करने का पूरा अधिकार है। सुना है बच्चों में बहुत ताकत होती है, आज मैं आपकी ताकत देखना चाहता हूं। और वीडियो अच्छा ना लगे तो बच्चों कमेंट्स जरूर करना, कोई कमी हो तो बताना जरूर, क्योंकि अगर आपको समझ आ रहा है तो बच्चों आपको दिन रात पढ़ाना चाहता हूं, दिन रात पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी दबाने की कोशिश की जा रही है बच्चों, भी मैं आपको पढ़ा ना पाऊं, ऊंचाइयों पे ना जाऊं, किसी के बराबर खड़ा ना हो जाऊं, इसलिए आज वीडियो बना रहा हूं। बच्चों, हमारी करंट अफेयर चल रही थी, जब हमारी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हरियाणा जीके में आप धूम मचाने वाला हूं, धूम मचाने वाला हूं। किसके लिए? आपके लिए, आपकी सिलेक्शन हो जाए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइबर होंगे तो लाइव क्लास में पढ़ाने का और भी मजा आएगा, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का मजा नहीं आता। मुझे आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों, पहले पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर ऑफलाइन पढ़ाना हो बच्चों, रिकॉर्डिंग वीडियो डालनी हो तो मुझे मजा नहीं आता। लाइव पढ़ाऊंगा बच्चों, अच्छे से विद मैप के साथ करवाने वाला हूं आपको हरियाणा जी के, एक भी क्वेश्चन कटने वाला नहीं हूं, इतने डीप से हरियाणा जी के करवाने वाला हूं। आप बच्चों ने तो देखा है किस तरह मैं डीप में क्वेश्चन करवाता हूं, किसी तरह विद मैप के साथ पढ़ाता हूं, और बच्चों जो मैं पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स के दिमाग में वो चीज छप जाती है, पढ़ने की जरूरत नहीं, छप जाती है। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो या फिर पढ़ना छोड़ दो दोस्तों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि टाइम पास नहीं चलेगा अपनी क्लास में, कभी भी नहीं चलेगा। और शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। ज्यादा समय नहीं लेता दोस्तों, हम शुरुआत की थी, हमने अगस्त पढ़ ली थी, अगस्त के कुछ पॉइंट रहते थे, अगस्त की करंट अफेयर हमारी चल रही थी। अगस्त, अगस्त से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं अभी, और फिर सितंबर की भी करवा दूं, नवंबर की भी करवा दूं, दिसंबर की भी करवा दूंगा, 2021 जनवरी की भी करवा दूंगा, और इस करंट अफेयर से मैं आपसे क्वेश्चन भी आपसे टेस्ट लेता रहूंगा साथ के साथ, कम से कम 400-500 क्वेश्चन करंट अफेयर के करवाने वाला हूं। लेकिन जब तक बच्चों आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो मुझे भी मजा नहीं आता पढ़ाने का। करंट अफेयर से सबसे पहले अगस्त किससे क्वेश्चन बन जाएगा? तो पंडित जसराज से क्वेश्चन बन जाएगा। किससे बन जाएगा? पंडित जसराज से। अगर आपको लिखाई की समझ नहीं आती तो बच्चों कमेंट्स करके बताएं, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कुछ क्वेश्चन वीडियो के अंदर ही पूछता रहता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पंडित जसराज से सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा? पंडित जसराज कहां के रहने वाले थे? तो जिला फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद, फतेहाबाद के पीली मंदोरी, कहां के थे? फतेहाबाद के पीली मंदोरी। यहां से क्वेश्चन घुमाया जाता है वो भी आपको बताने वाला हूं, पीली मंदोरी से थे, पीली मंदोरी से थे। लेकिन एचएससी आज भी इसको हिसार मानती है। क्यों मानती है हिसार? क्यों मानती है भाई हिसार? इसलिए मानती है क्योंकि जो फतेहाबाद जिला है ना वो हिसार जिले से बना था। लेकिन आपने क्या बताना है? पंडित जसराज का जन्म बताना है, इनका जन्म कब हुआ था। लेकिन जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनने जा रहा है, पंडित जसराज का क्या हो गया है भाई? निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है पंडित जसराज की, कब हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो 17 अगस्त, 17 अगस्त 2020 में, 2020 में इनकी क्या हो गई है भाई? मृत्यु हो गई है। क्लियर हुआ? निधन हो गया है। किसका? पंडित जसराज का। कहां पर हुआ है? तो अमेरिका में। कहां पर हुआ दोस्तों? अमेरिका में। अमेरिका में इसका क्या हो गया है? निधन हो गया है। किस कारण हुआ है? तो दिल का दौरा पड़ने के कारण, दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी क्या होगी अभी? मृत्यु होगी। क्लियर हुआ? आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता देना है पंडित जसराज का जन्म कब हुआ और पंडित जसराज किस से जाने जाते हैं? शास्त्रीय संगीतकार है। किस से जाने जाते हैं अभी? शास्त्रीय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, शास्त्रीय संगीतकार। कौन है? पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतकार है। क्लियर हुआ? और जन्म आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता देना है, और अच्छा लगे तो बच्चों धुआं उठा दो,
धुआं उठा दो, क्योंकि मुझे भी दबाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ये हमारे बराबर खड़ा हो गया तो काम खराब कर देगा किसी दिन। लेकिन आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना ना भूलें दोस्तों। क्लियर हुआ? पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद के पीली मंदोरी में हुआ था, लेकिन अगर फतेहाबाद ऑप्शन में नहीं है, पिंडोली पीली मंदोरी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? हिसार हो जाता है, क्योंकि एचएससी ने कई बार हिसार माना है। एचएससी ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या माना है? हिसार माना है। हो सकता है आगे फतेहाबाद जिला का पीली मंदोरी माना जाए। क्लियर हुआ बच्चों? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। अगस्त से और भी क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बताया था दोस्तों। परिवार पहचान पत्र क्या है दोस्तों? परिवार पहचान पत्र, पहचान पत्र से क्वेश्चन क्या बनने वाला है? परिवार पहचान पत्र जो लॉन्च करने वाला हरियाणा सबसे पहला राज्य बना है, कौन सा भाई? फर्स्ट राज्य है, पहला राज्य कौन सा बना है पूरे भारत में? तो हरियाणा बना है। कौन सा पत्र लॉन्च करने वाला? परिवार पहचान पत्र। ये भी अब आपके लिए जरूरी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है महिला एवं किशोर, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किशोरी सम्मान महिला एवं किशोरी सम्मान जो हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने इसको सबसे पहले शुरू किया है। कौन सी योजना है? अभी योजना बनाई गई है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ये किसने शुरू की है भाई? हरियाणा सरकार ने शुरू की है। किसके द्वारा शुरू की गई? हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर है, सीएम है जी हरियाणा की, सीएम सिटी या किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। निंदाना कहां पर है भाई? हरियाणा के जिला रोहतक में स्थित है। मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था, लेकिन सीएम सिटी करनाल को कहा जाता है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था इनका? करनाल था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, हरियाणा के सीएम के द्वारा शुरू की गई। और इसे शुरू किस राज्य ने की सबसे पहले? तो उस समय राइट आंसर क्या आएगा आपका? हरियाणा आएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए थे अगस्त से। और अगस्त में क्या आपको बताया था पहले भी दोस्तों? हरियाणा सरकार ने क्या किया है? 3000 क्या किया? 3000 का आप बता सकते हो ना? हरियाणा में सभी बच्चों के लिए 3000 प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे। कौन से भाई? प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्ले वे स्कूल कितने खोले जाएंगे हरियाणा में? तो 3000 खोले जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आने ही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली वीडियो को भी आपने अच्छे से देख लेना है, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्वेश्चन आंसर बच्चों मैं आपको लाइव क्लास में ही पढ़ा सकता हूं, क्योंकि उसके आंसर आप दे सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों ई लाइब्रेरी से क्वेश्चन बनने वाला है। अब कौन सी करवा रहा हूं? सितंबर की करवा रहा हूं। करंट अफेयर कौन सा अभी किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ई लाइब्रेरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ई लाइब्रेरी से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ई लाइब्रेरी हरियाणा की पहली आधुनिक ई लाइब्रेरी कहां पर? कछवा में खोली जाएगी। कहां पर? कछवा कहां पर है ये आपने कमेंट्स करके बता देना, फिर यहां पर मैं ऐड कर दूंगा। कछवा कहां पर है? हरियाणा की पहली आधुनिक ई लाइब्रेरी कहां पर खोली जा रही है? कछवा में खोली जा रही है। कछवा कहां पर है आपने कमेंट्स करके बताना है बच्चों। फिर आप में पढ़ने का अगर जुनून होगा तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में पढ़ने का जुनून नहीं है तो बच्चों आपकी सिलेक्शन रुकेगी, आज भी रुकेगी, कल भी रुकेगी। अगर आपके अंदर दिल का जुनून है ना, अपने घर वालों को आपने देख रखा है ना, हमारा घर परिवार कैसा है, नौकरी के बिना इसका गुजारा चल सकता है या नहीं चल सकता, तो बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा, हरियाणा में हरियाणा सरकार में जॉब लेना पड़ेगा। और ये आपके पास हो सकता है आखिर मौका हो हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस का मैं
अच्छे से तैयारी करवाने वाला हूं, आपकी डीप से डीप पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे साथ चाहिए, फिर ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रीन क्लीन एवं जीरो वेस्ट संस्थान से। किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ग्रीन क्लीन एवं जीरो वेस्ट संस्थान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ये कहां पर बनाया गया है? ये कहां पर बनाया गया है? तो रोहतक जिले में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया भाई? रोहतक जिले में। कहां पर? रोहतक जिले में, हुड्डा के गढ़ में बनाया गया। ये रोहतक जिले में बनाया गया। हरियाणा का पहला ग्रीन एवं जीरो वेस्ट स्थापित किया जाएगा। हरियाणा का पहला है अभी। क्या है? हरियाणा का पहला आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। हरियाणा का पहला ग्रीन क्लीन एवं जीरो वेस्ट संस्थान कहां पर बनाया जा रहा है? तो उस समय राइट आंसर क्या होगा आपका? रोहतक जिले में बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किससे बनने वाला है? दीपक जैन से बनने वाला है। किससे बनने वाला है भाई? दीपक जैन से क्वेश्चन बनने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा जाएगा, दीपक जैन कहां के रहने वाले हैं, कहां के निवासी हैं, कहां के निवासी है भाई? बता सकता है कोई स्टूडेंट्स? दीपक जैन है जो नखाना के निवासी है, हरियाणा के नखाना के निवासी है। नखाना कहां पर है बच्चों? नहीं बताने वाला आपको, आप जोर लगाओगे तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने का। आपने कमेंट्स करके बताना ये कहां पर है नखाना। हरियाणा के नखाना के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया भी? हिंदी टाइपिंग की है। क्या किया इन्होंने? हिंदी टाइपिंग की है। आप बच्चों आप भी कहोगे हिंदी टाइपिंग हमें भी आती है, लेकिन किसी में अलग अनुभव होता है टाइपिंग। क्लियर हुआ? इन्होंने हिंदी टाइपिंग की है। क्या किया भाई? 121 शब्द, आसान नहीं होते भाई, 121 शब्द लिखे हैं। इनमें कितने मिनट में लिखे हैं? तो एक मिनट में लिखे हैं। सिंपल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एचएससी में है क्या बच्चों जो हमारे से क्वेश्चन पूछे और हम उसका आंसर ना दे पाए, लेकिन जुनून होना चाहिए पढ़ने का। देखिए कि दीपक जैन कौन है, नखाना कहां पर? हरियाणा में, किस जिले में आप बताओगे? और हिंदी टाइपिंग में किसने? दीपक जैन ने दीपक जगाया। इस तरह याद कर लेना, हिंदी टाइपिंग में 121 शब्द लिखे हैं इन्होंने एक मिनट में। फिर इसने क्या किया भाई? इसने 121 शब्द लिख के एक मिनट में फिर अपना नाम दर्ज करवाया गया। किसमें करवाया गया भाई? एशिया बुक में। किसमें करवाया गया? एशिया बुक में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। बनाया भाई किसने? बनाया दीपक जैन ने बनाया। किस बुक में अपना नाम लिखवाया है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। क्लियर हुआ? एक इससे पहले भी था भाई दीपक, देश भर में सबसे तेज में हिंदी टाइपिंग किताब में अपना नाम कर चुके हैं। क्लियर हुआ? पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आप भी बच्चों अपना नाम रोशन कर रहे हो लेकिन किसी को पता नहीं चलता। मैं भी अपना नाम रोशन कर रहा हूं लेकिन किसी को पता नहीं चलता। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं उनको तो कंफर्म है, मैं भी अपना नाम पूरे हरियाणा में चमकाना चाहता हूं। पैसे की कोई जरूरत नहीं है बच्चों मुझे। क्लियर हुआ? बस नाम चाहिए तो नाम चाहिए। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है एज ऑफ डूइंग में। इसका तो बहुत बार नाम आपने सुना होगा, एज ऑफ डूइंग में क्वेश्चन क्या बनने वाला है अभी। एज ऑफ डूइंग में हरियाणा तीसरे से 16वें स्थान पर आया। ये पहले कौन से स्थान पर था? तीसरे स्थान पर था। किसमें? एज ऑफ डूइंग में हरियाणा तीसरे स्थान पर था। लेकिन अब कहें, आज की बात करें, सितंबर की बात करूं दोस्तों, तो 16वें स्थान पर आ गया है। कौन से स्थान पर आ गया है? 16वें स्थान पर आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फरीदाबाद से क्वेश्चन बहुत बनने हैं भाई, बहुत बन गए हैं। फरीदाबाद जिले में बड़खल झील स्थित है। बार बार पहले भी मैंने बहुत बार पढ़ा दिया और बच्चों इतना पढ़ाया है बच्चों को, जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते रहे ना उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। उनको कंफर्म करवा दिया था, विश्वास दिलवा दिया था बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। फरीदाबाद हरियाणा का जनसंख्या में बड़ा जिला है और क्षेत्रफल में छोटा जिला है। फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी है? 18 जीरो स्थान में 33 उंगलियों पे हो जाता है। क्षेत्रफल कितना है? 741
फरीदाबाद को उद्योगिक नगरी कहा जाता है, फरीदाबाद में बड़खल झील स्थित है, फरीदाबाद में दो झील स्थित है, फरीदाबाद में म्यूर झील स्थित है, और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं फरीदाबाद के बारे में। लेकिन जो करंट का क्वेश्चन क्या बनने वाला है, फरीदाबाद जिले में 26 गांवों को, कितने गांवों को भाई, 26 गांवों को नगर निगम भी आपने पढ़ा होगा, बहुत बार बता दिया, लेकिन वो क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में बनने वाला भी, 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा। क्लियर हुआ, नगर निगम में शामिल किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला भी, किया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसको भाई, फरीदाबाद के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा। किसके 26 गांव है, फरीदाबाद के है, और हरियाणा का जो नया नगर निगम बनाया गया है, कौन सा भाई, नया नगर निगम बनाया गया, बहुत बार पढ़ा दिया था, मानेसर को बनाया गया, किसे बनाया गया, मानेसर कहां पर, गुरुग्राम जिले में स्थित है। अब हरियाणा में कुल नगर निगम 11 हो गए हैं, कितने 11 नगर निगम हो रहे हैं। बच्चों अगर समझ आई ना तो वीडियो को धुआं उठा दो, मुझे भी पता चले, कंफर्म हो बच्चों में ताकत है, बच्चों ने अपनी ताकत दिखाई है, आपको दिल से प्यार करते हैं, फिर मैं और आपको गहराई में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद नोस्ट एक क्वेश्चन और बनने वाला है, हाँ पानीपत से क्वेश्चन बनने वाला है, किससे क्वेश्चन बनने वाला है, पानीपत से, और पानीपत में आपको बहुत बार पढ़ा दिया बच्चों, कितनी बार पढ़ाऊं, हर शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया था मैंने तो बच्चों, अगर सुबह पढ़ाया ना पेपर सिटी पूछा गया तो इवनिंग में कागज सिटी पूछा गया, ऐसे मैंने पढ़ाया था। पानीपत हरियाणा का दो बार जिला बनाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत हरियाणा का दो बार जिला बनाएगा। पहली बार कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1989 को बनाएगा, नहीं भाई पहली बार कब बनाया गया था, 1980 को बनाया गया था पानीपत पहली बार जिला, फिर इसको निकाल दिया गया 1991 में बनाया गया करनाल में, फिर दोबारा कब बनाया गया था, 1992 को बनाया गया था। पानीपत में कितने युद्ध हुए थे बच्चों, 3 युद्ध हुए थे, बहुत बार पढ़ा दिया मैंने, इतना डीप पढ़ाया बच्चों, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा रहा था। पानीपत में कौन सा युद्ध कब लड़ा गया और कितने वर्षों बाद लड़ा गया, अब कितने वर्ष हो गया, पूरा डीपली पढ़ाया था दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध, आप सभी स्टूडेंट्स ने आंसर उसका राइट दिया होगा, 21 अप्रैल 1526, मैं अकेला 1526 नहीं पढ़ाता, कभी भी 1556 नहीं पढ़ाता, 1761 नहीं पढ़ाता, पूरी डेट बताता हूं बच्चों अगर कंफर्म हो तो। दूसरा कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तीसरा कब हुआ, 14 जनवरी 1761 को हुआ था, 1761 को हुआ था बच्चों। यही क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए और बहुत बार पढ़ा दिया था इसको। काला अंब का संबंध किससे है, पानीपत से है, बहुत, अगर मेरे साथ जुड़ोगे ना बच्चों आपको बहुत डीपली करवाने वाला हूं। लेकिन वीडियो को पूरा देखना आपका काम रहेगा, शेयर करना आपका काम रहेगा, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो एग्जाम में क्या करके आओगे, क्या लिखोगे, वीडियो अधूरी देख लेते हो, टाइम पास नहीं करना भाई। उसके बाद पानीपत से क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था भाई, पानीपत से क्वेश्चन क्या बनेगा, अनुज नेहरा से बनेगा, किससे बनेगा, अनुज नेहरा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट का बनने वाला है, अनुज नेहरा से क्वेश्चन क्या बनने वाला है। अनुज नेहरा ने UPSE, ये तो आपने नाम सुना होगा, इसमें क्या किया है, परीक्षा में टॉप किया है, किसने किया है, अनुज नेहरा ने किया, परीक्षा में क्या किया है, टॉप किया है। ये हरियाणा की रहने वाली, हरियाणा के पानीपत की रहने वाली है, अनुज नेहरा ने क्या किया है, UPSE परीक्षा में टॉप कर लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हिसार में बनेगा मेगा बल्क ड्रग पार्क बनाने की घोषणा की गई है अभी, किसमें, हिसार जिले से, बहुत बार बता दिया भाई, फतेहाबाद हिसार फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर था, मेगा बल्क ड्रग पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भाई पार्क बनने वाले हैं, पार्कों से क्वेश्चन बनने वाले हैं, पार्कों की अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूं। बल्क ड्रग पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, हिसार जिले में बनाया जा रहा है। क्लियर हुआ, मेगा बल्क ड्रग कहां पर बनाया जा रहा है, हिसार जिले में बनाया जा रहा है।
उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनने वाला भी, हाँ आगे सितंबर के बाद कौन सा आ जाएगा, अभी नवंबर आ जाएगा या अक्टूबर आ जाएगा, मेरे को ये कमेंट्स भी करके बता देना, क्योंकि क्योंकि कई बार ना बेसिक होता है, बेसिक चीजें हमें नहीं आती तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा बेसिक मजबूत है तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर हमें चाहे कितना भी यूपीएससी लेवल पे ले जाओ, एसएससी पे ले जाओ, बैंक की तैयारी करो, अगर आपका बेसिक मजबूत है, दिन रात उसी में लगे हो, तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब मुझे कंफर्म नहीं है अभी सितंबर के बाद क्या आता है, आप कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि मैं आपका लगाव, आपके अंदर जुनून पैदा करना चाहता हूं। अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे तो बच्चों मुझे कंफर्म कैसे होगा भी आपने वीडियो देखी है, कंप्लीट वीडियो देखी है। अगर पढ़ना चाहते हो तो बच्चों अच्छे से पढ़ो या फिर पढ़ना छोड़ दो। मैं तो आज भी कहता हूं टाइम पास नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। बहुत टाइम पास किया होगा बच्चों ने, बहुतों ने किया होगा, कुछ बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ही काम आएगा। चलो बच्चों बता ही देता हूं सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है बच्चों। चलो आपसे प्यार है ना बच्चों, इसलिए बता रहा हूं अक्टूबर आता है। अक्टूबर की भी हम थोड़ी बहुत करंट अफेयर करवा देता हूं, लेकिन अक्टूबर भी करंट अफेयर मैं नेक्स्ट वीडियो में बना जाता हूं, वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट किसे बनने वाला है, विजय वर्धन से बनने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, हो सकता है हरियाणा पुलिस में एग्जाम में पूछा जाए, और हरियाणा पुलिस में बच्चों में आपको सारे आईपीएस अधिकारी, डीजीपी, आईपीएस, जिले का डीसी सारे करवाने वाला हूं। विजय वर्धन, विजय वर्धन से क्वेश्चन क्या पूछे हरियाणा वाला भी, विजय वर्धन से क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाला है। हरियाणा के मुखिया नए सचिव बने भी, हरियाणा के क्या बने हैं, मुखिया सचिव बने हैं, कौन बने हैं, तो सीधे क्वेश्चन आपके राइट आंसर होने वाला है, विजय वर्धन बने हैं। विजय वर्धन हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने गए हैं। विजय वर्धन 1985 आईपीएस अधिकारी हैं। कौन भाई, विजय वर्धन है, आईपीएस अधिकारी हैं। क्लियर हुआ? ये इनका कार्यकाल कब तक रह सकता है, 30 नवंबर 2021 तक इनका कार्यकाल रह सकता है, हो सकता है बढ़ाया जाए, वो हम बाद की बात करेंगे जब इनका कार्यकाल हो जाएगा। उसके बाद राजीव अरोड़ा से क्वेश्चन बनने वाला है, किससे बनने वाला है, राजीव अरोड़ा, राजीव अरोड़ा से क्वेश्चन बनने वाला है। क्या बनने वाला है राजीव अरोड़ा से, हरियाणा के नए गृह सचिव बनाए गए हैं। अलग अलग क्वेश्चन है भाई, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग इसका आंसर होगा। मुख्य सचिव बनाए गए विजय वर्धन को, जो 1985 आईपीएस अधिकारी है, राजीव अरोड़ा को बनाया गया गृह सचिव बनाया गया। क्लियर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आलोक से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आलोक वर्मा से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों, फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। शेयर करना न भूले, लाइक करना न भूले। अगर आप लाइव वीडियो देखना चाहते हो तो बच्चों धुआं उठा दो वीडियो का, अगर समझ आए तभी धुआं उठाना इस वीडियो का, वरना नहीं उठाना। बच्चों मैं आपको क्यों मजबूर कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, जब आपके कमेंट्स आएंगे लाइव पढ़ाऊंगा ना बच्चों, मुझे भी आनंद मिलेगा, और बच्चों अपनी आप ताकत दिखा सकते हो, आप अपनी सपोर्ट मुझे कर सकते हो। पढ़ाने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, इंडियन ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाने वाला हूं आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, जितना मेरे में दम होगा पूरा लगाऊंगा। आप में पढ़ने का दम होना चाहिए और वीडियो को शेयर करने का दम होना चाहिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पढ़ते रहा करो। ये तो सर्दी तो आनी जानी चीज है बच्चों, क्लियर है, और खुश रहा करो बच्चों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।